क्या कहेंगे आज जिस तरह से दो साल बाद इसका आयोजन हो रहा है, आज इस बार पहली बार प्रशासन ने दखल ली इस कार्यक्रम में, क्या कहेंगे? नहीं, प्रशासन ने दखल ली, आयोजन भी अच्छा किया लोगों ने, प्रशासन ने प्रबंध लगाया तो भी लाखों लोग आज यहाँ उभरे हुए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि दोपहर तक यहाँ पूरा माहौल में से सभी रोड पैक हो जाएंगे। इतनी का लाख में मेरे जो रिपोर्ट है कि बम्बई से और बाहर गाँव से इतने लोग अपनी गाड़ियाँ निकाल के आ रहे हैं कि पूरा ये इलाका बाबा साहेब में होगा, इतना ही मैं बता सकता हूँ। और मैं शौर्य दिन और नए साल की सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। जनता से क्या कहना चाहेंगे जो दूर दराज से आ रहे हैं? मैं जनता से निवेदन करूंगा कि ये जो आप ऊर्जा लेके यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि ये क्रांति स्तंभ एक ऊर्जा का चिन्ह है और एक मानद है, और आज वहाँ हम लोग ने सरकार को बता के वहाँ महार रेजिमेंट जिन्होंने ये संग्राम लड़ा था वो टाइम उनका चिन्ह उधर लगाया है, उसके वजह से लोगों में एक नई उमंग उभर आई है। और मैं चाहता हूँ कि ये सभी लोग जाते समय यही ऊर्जा अपने साथ लेके जाए और पूरे वर्ष भर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन और बाबा साहब के कार्य के ऊपर चले, इतनी मैं उनको उनसे विनती करता हूँ। एक अंतिम सवाल कि ये जो इस बार का जो आयोजन है दो साल बाद हो रहा है और भीमा कोरेगांव का नाम जैसे पूरे देश में पूरे विदेशों में छा गया एक घटना की वजह से, क्या ये परंपरा भी बदस्तूर इसी तरह बहुत बड़े तौर पर जारी रहेगी जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर को अभिवादन किया जाएगा और इस युद्ध को पूरे विश्व भर में पहुँचाया जाएगा? ये अभी 2018 में जो कुछ हुआ उसके वजह से ये युद्ध और इसका इतिहास पूरे वर्ल्ड में चला गया है। लोगों में ये अचरज की बात है कि इतनी बड़ी संख्या में पेशवाई होते हुए ये 500 सैनिकों ने कैसा इनको पराजित किया है, और इसके वजह से ये गिनीज बुक रिकॉर्ड है। और अभी इसको कोई मिस इसकी अभी नए तरीके से कुछ पहचान कर देने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी लोगों तक इसका पूरा इतिहास चला गया और इसकी वजह से लाखों भीम सैनिक इधर आते हैं बाहर गांव से, खाले महाराष्ट्र से नहीं तो पूरे देश से भीम सैनिक आते हैं। और वो मैंने देखा है कि दिन ब दिन मिस हर बरस वो सैनिकों में बहुत बड़ी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले कल में जो भी बहुजन समाज है, आज तक उनको इसके बारे में महत्व नहीं मालूम था, मगर आज बहुजन समाज भी इधर शामिल हो रहा है क्योंकि उनको भी समझ रहा है कि जो पेशवाई थी जिनके वजह से पूरे इस देश के 85% लोगों पे ज़बरदस्ती जुलूम अत्याचार हुए, उनके खिलाफ ये महार सैनिक लड़े और पहले बार इस देश में बहुजनों को बहुजनों के लिए समता स्थापित करने का शुरुआत इस भूमि से हुए, इसके लोगों के मन में इस भूमि के लिए बहुत ये सुंदर भावना है, बहुत आदर भावना है, ऐसे मेरे कहना है। यहाँ पर ये अफवाह है कि मनवाजों की तरफ से अफवाह है कि यहाँ पर जो युद्ध लड़ा था वो ब्रिटिश के बाजू से लड़ा था और देश के विरोध में लड़ा था, तो ये अफवाह है मनवाजी की तरफ से? नहीं, देखो पेशवा ये क्या देश के लिए नहीं, ये खाली बम्मन लोगों के लिए थी, और यहाँ के जो ओरिजिनल जो निवासी है 85% बहुजन दलित उनके खिलाफ थी, और इसीलिए इन्होंने ब्रिटिशों के साथ लड़के ये मनुवादी जो ये थे मानसिकता जो पेशवाई की थी उसको ख़त्म किया है। क्या मान के चले कि ये अंतिम सवाल है, क्या मान के चले कि जो इस बार प्रशासन ने दस्तक लिया ये अभी विश्व क्रांति हो गई है जय भीम का नाम? हाँ, अभी देखो बाबा साहब आगे आने वाला जो ये है वो पूरे आने वाले साल है वो बाबा साहब के साल हो गए, बाबा साहब के विचारों पे ही आगे जाके देश चलने वाला है। तो ये थे आनंद राज अम्बेडकर जो हमसे रूबरू हो रहे थे, जिन्होंने कहा कि जिस तरह से आयोजन किया गया उन्होंने प्रशासन का भी आभार व्यक्त किया, और प्रशासन ने जिस तरह से दस्तक दी है वो काबिले तारीफ है, और कोरोना नियमों का पालन करते हुए यहाँ पे भीम अनुयायी यहाँ पर आए और अभिवादन करे ऐसा उन्होंने कहा।